ये ऐसी बर्बरता से भरी हुई एक प्रकार की रिचुअल है। और मैंने कहीं ना कहीं सोचा, मैंने घर वालों से पहले बात करी, घर वाले इसके पूरे की परंपरा के विरोध कैसे जाएंगे। तो मैंने कम्युनिटी के, हमारे जो कंजरवाट कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, उस कम्युनिटी के जो भी बड़े हैं, बड़े लोगों से मैंने बात करनी चाही, उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी नहीं। तो मैंने फेसबुक पे एक कुछ ट्रिपल तलाक और राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ मटेरियल हमने शेयर किया था, और उसे लाइक माइंडेड, हमारे कम्युनिटी के ही लाइक माइंडेड ग्रुप ने उसे अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। एंड वी केम टुगेदर, एंड उसके पांच छह, शुरुआत में हम पांच छह लोग जुड़े, और उसके बाद में सब पांच छह लोगों के, एक दूसरे के फ्रेंड्स मिलकर हम आज 40 से 50 लोग हैं। इस ग्रुप का नाम हमने स्टॉप द वी रिचुअल रखा है, और ये टेस्ट कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, कि इसको टेस्ट भी ना बोले, एक प्रकार की परंपरा मानते हैं कि इस समाज का पुरुष, ये पुरुष प्रधान समाज बोलता है अपने आप को, और पुरुष अपनी स्त्री को एक प्रकार से रेगुलेट, सोशल उसका बिहेवियर रेगुलेट करने का प्रयत्न कर रहा है इस टेस्ट की वजह से, और जो कि पूरी तरह से एक अंधश्रद्धा है एक प्रकार की, और इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और इसको आप अगर देखेंगे, अगर मेडिकल साइंस के नजरिए से देखेंगे तो कोई मेडिकल बेस नहीं है। संविधान के तहत से, संविधान के नजरिए से अगर देखेंगे तो ये पूरी तरह से मेरे समानता के अधिकार को कहीं ना कहीं छेद देने वाली बात है।